ऑन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक। क्रिक टॉक इज बैक विद येट अदर वीडियो। और पिछले 2 दिन से हम बहुत बेताब उसी से बैठे हैं और हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और कल हमारा सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल देखने के लिए वलीद और शहरी इकट्ठे लंदन में पहुंच गए हैं। एंड हमारे कुछ लोग हैं जो कि इतने खुश हैं कि किधर ही मैच वो जो कि वीडियो में मैं हाले नहीं आ सके। जीशान इज नॉट अवेलेबल, वो पर अभी तक शायद अभी से दुआएं शुरू कर दी उसने। सनी भाई हमारे साथ हैं और हम कल देखेंगे, कल के मैच का रिव्यू करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के में क्या बनता है। सो उसका रिव्यू कर स्टार्ट देंगे। मैं भी कह रहा रिव्यू कर रहे हैं इनको, पहले पिशावर में मैच हो गया चुके आई मीन हम उनकी प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या होएगा। देख होंगे सकते हैं न्यूजीलैंड कितनी उसको। एक्साइटमेंट है ऑलरेडी। तो मैंने यूट्यूब पे एक हाँ वीडियो देखी है जो पिछले पाकिस्तान का पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप का मैच था ना, ग्रुप का, वो हाँ किसी ने शेयर किया हुआ है एज T20 2022 सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के तौर पे। तो इस बस तरह के लोग वो हमारी तरह का यूट्यूबर ही होगा ना, उसका व्यूज मिल नहीं, जाएंगे हमारी बहुत। तरह का नहीं, आपकी तरह का, मेरी तरह का नहीं, सॉरी। यार तो देखो बात ये है कि नॉट द फॉल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड चले, न्यूजीलैंड को तो हरा देना चाहिए ना यार। मतलब न्यूजीलैंड है क्या? अब लीड कहेगा कि कैसी बात यही कर एक कॉन्फिडेंस इनको नीचे रहे। डुबाएगा। यार कोई एक मैच तो अच्छा जीतना है ना, हमने तो वर्ल्ड कप खेलने गए हुए, सारे हारे अच्छे, चुके हैं, नेदरलैंड सारे से अच्छे जीत चुके मैच हैं। जीते हैं, कौन से बुरा मैच जीते हैं हम लोग? है बोली सारे अच्छे मैच हाँ, सारी रिसेंटली। एक सारी हमारे एक दूसरे और के एंट्री अच्छे हो रही मैच, है। नेदरलैंड अच्छा जीती है साउथ अफ्रीका से ऐसा। आई थिंक पाकिस्तान की जो सबसे क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी ना, वो थी वर्सेस साउथ अफ्रीका इन द फॉर्म ऑफ नेदरलैंड्स। बहुत जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। हमारे लेफ्ट राइट टीम है हमारे लिए खेल रही थी, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, हमने अभी देनी है और वो हम देंगे कल यार जब इंडिया हम के, बाय द तो वे, बाय बैठना द वे जिशान ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। तो नहीं नहीं है, कोहली कुछ ज्यादा नहीं सकता पाकिस्तान का सकते। गेस्ट। दो चार बातें। हाँ वालेकुम अस्सलाम जिशान, वी जस्ट वालेकुम स्टार्टेड विद आवर वीडियो तो और हम ये बता रहे थे कि जिशान शायद अभी से यार दुआएं करना जीशान के शुरू आते ही तुमने अंग्रेजी शुरू कर दी, उर्दू समझ सकता है? करे। वेलकम टू आर ग्रीन यार, वीडियो। मैं तो आज ग्रीन शर्ट ग्रीन, पहन के आज आए हो मैंने यार? मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली है, तो मुझसे कोई पूछे ना कल कौन जीत रहा है, खुदा के वास्ते मुझसे ना पूछे कोई कौन जीत रहा तो आपका क्या व्यू है जिशान, कल पाकिस्तान फिर जीतेगा? है। यार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जीत रहा है। वैसे यार मैं अपने न्यूज़ तो दूंगा ये जरा, पहले मुझे वलीद, मुझे हाँ मेरा तरीका ख्याल भी बताएं जरा, क्या बताएं कैसे जीतेगा। सनी भाई पहले वलीद से पूछ लेते, थोड़े से नेगेटिविटी ले लिया नहीं नहीं लिया नहीं अपने मैं मूवी जरा के जिशान अंदर। से पूछना चाहता हूँ, मैं उसकी जरा क्रिकेटिंग नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी शायरी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर की है, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ ये। हाँ हाँ क्या चीज से, क्या जिशान भी इंटरेस्टिंग क्या बताएं, होगी? जिशान भी पहले बताएं इंटरेस्टिंग आप चीज, देखा पाकिस्तान कल। नहीं पहले इंटरेस्टिंग चीज बताएं क्या शेयर किया शेरी ने। वो हम बता नहीं चुके मैं हैं। बताऊंगा, आप पहले बताएं। पाकिस्तान कैसे जीतेगा? हाँ बड़ा सिंपल है आपसे नहीं भाई, ये तो दुआओं वो से। तो अच्छा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जितना करेगा हम उससे ज्यादा करेंगे, चेस करेंगे हम, तुम कह रहे हो चेस करेंगे, और जबरदस्त। जितना हमने किया होगा न्यूजीलैंड को उतना करने नहीं देंगे, इसमें एक तो कोई चीज रॉकेट बताएं, साइंस। हम चेस करेंगे या टारगेट सेट करेंगे, एक चीज तेरे ख्याल बताओ। में क्या होना चाहिए कल निशान? मेरे ख्याल में हमें टारगेट सेट करना चाहिए। क्यों? अच्छा क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है वो है स्ट्रॉन्गर सूट है हमारा, तो हम लोग कैसे? वो नहीं उसपे प्रेशर डाल सकते हैं, कैसे बजाय इसके स्ट्रॉन्गर कि सूट चे है, आपको किसने कहा ओवरऑल वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग है? का धोती नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे पहले लगता है कि बॉलिंग हमारा मैसेज कर रहे स्ट्रॉन्गर हैं सूट है। बच्चा, नहीं आपको वो छक्के आप भूल गए देखे ना, जिसने जो धोती की मारे थे स्क्रीन खुली हुई है वो? तो सनी भाई, छक्के तो आप एक बॉलर्स भी सेकेंड, पड़ते हैं। आरएस रऊफ को आप डेथ बॉलर बोलते हैं कि जी हमारा डेथ बॉलर वर्ल्ड क्लास, उसको कैसे कोहली ने छक्के मारे हैं उस दिन, याद है? तो यार कोहली से ही खाए ना हमने, किसी लल्लू पत्तू से तो नहीं खाए ना। कोई यार आप तो बात कहते हैं नहीं, कोहली कोई बैट्समैन आप ही नहीं है, बैट्समैन तो एक ही पैदा हुआ है। कहते हैं बाबर आजम कोहली से 10 गुना बेहतर है हाँ और भाई नहीं हारिस नहीं रऊफ मैं वर्ल्ड क्लास डेथ बॉलर है, तो फिर एक लल्लू पत्थू जो भी इसको कहते हैं आप, उसने वर्ल्ड आपके आपके मुझे क्लास बॉलर को बताएं, छक्के मारे। आपके ख्याल में हारिस रऊफ जो है वो अच्छा डेथ बॉलर नहीं है, टेस्ट यार आप मुझे ये बॉलर? बताएं, आप मुझे एक चीज बताएं, उसकी रन्स पर ओवर क्या है आखिर में? ये आखिरी आखिरी डेथ ओवर्स में उसने, मेरे ख्याल ये सिवाय कोहली वाली मैच के, तो वो हाँ छह छह सात सात रन से ऊपर नहीं दे रहा नवा था ओवर डेथ किया ओवर्स में। किसी नहीं नॉन क्लब्स ओवर, ने, नॉट न्यूजीलैंड एट नॉन ओवर। को किया, जिम्बाब्वे को किया है, हम तो चेज नहीं कर सके ना छोटे टारगेट, बड़े टारगेटों को तो छोड़ दें आप। नहीं उसने अभी साउथ आप अफ्रीका वर्ल्ड का किया, ठीक कप को भूल जाए, आप वर्ल्ड कप को भूल जाए, आप वर्ल्ड कप से पीछे है चले ठीक जाएं, उसके है। आखिरी ओवरों में उसको रन्स पर ओवर कितने पड़े हैं आखिर में, यार दो ओवर तीन नहीं ओवर अभी उसने इसका उसका अभी अभी उसने इंग्लैंड सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ट्राई नेशन सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है हारिस इसका इसका डिफेंस ये है कि रऊफ ने डेथ ओवर्स में। हारिस रऊफ आफ्टर लास्ट अक्टूबर
से काफी बेहतर रहा है वैसे, वैसे लीग ने देखा। हारिस रॉफ, हारिस मोस्ट रॉफ इज द इम्प्रूव्ड, मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर यार, मेरा नहीं ख्याल इसको डिबेट होनी चाहिए कोई, सबको क्लैरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। टी20 में इतनी पेस के साथ आपको मार पड़ेगी ही पड़ेगी, एज फार एज यू आर विकेट टेकिंग अ विकेट देन इट्स फाइन, आप मार्क हारिस रॉफ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बड़े दिल वाला बॉलर है, वो एक आधी शॉट खा के ये नहीं होता कि वो जिस तरह हसनैन है ना, हसनैन का अगर बुरा ओवर चला जाएगा तो वो दूसरी भी खाता है आगे फिर तीसरी भी खाता है। नहीं 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 अरे जैसा हसनैन है, हसनैन का लंदन में भी मेरी बात देखिए जी, वली वली आप एक छोटे सनी भाई एक बात सुने, वलीद इतना पनौती है, आप ये चेक करें कि वो लंदन गया, लंदन में लाइट चली गई यार, आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान है लंदन नहीं है, कराची फिर रहे हैं, झूठ बोल रहे दोनों। अच्छा यार अब इस तरह तो हसन अली भी बहुत बड़े दिल का बॉलर था, अक्सर मार खाता था, वापस आता था बॉलिंग करते, फिर मार खाता था। आप लोगों को मुझे एक मुझे मैं सॉरी थोड़ा लेट आया कॉल में, आप लोगों को कोई शक है पाकिस्तान जीत रहा कल? नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा मुझे तो कोई शक नहीं है जीतेगा सर, दूर कर ले सनी भाई, जो जो सवाल है जो शक है वो दूर कर ले सर, जो जो शेरी ने अभी जो शेरी ने क्या कहा, टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, लग रहा है 70% जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो मैच जीत जाएगी, 70% उसके चांसेस हैं। देखिए अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो सही कह रहा है, हमारे चांसेस हैं वो 70-80%, लेकिन अगर खुदा ना खास हम टॉस हार भी जाते हैं ना फिर भी मैच अपना है, आप बेफिक्र हो जाएं इस बात के। न्यूजीलैंड इस ग्राउंड में यार ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, इतना कॉन्फिडेंस शायद बाबर को भी नहीं है। शेरी जो भी हो जाए कल मैच अपना है इंशाल्लाह, जा तू जा पैसे लगाने, जिधर पैसे लगाने लगा दे जाके, भाई पे कर हमें 9 की या 10 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल था। अच्छा सेमीफाइनल में बात करने के बजाय लोग फाइनल की बात करना शुरू हो गए, मुझे अभी तक यही एटमोसफेयर लग रहा है। मैं किसी इंडियन दोस्त से बात करता हूँ, मुबारक हो इंडिया पाकिस्तान फाइनल है, मैं किसी पाकिस्तानी से बात करता हूँ मुबारक हो फाइनल में, मैं कहा भाई सेमीफाइनल मैंने खेलना है, तो क्रिटिक्स हैं पाकिस्तानी टीम के, उनकी कल वीडियोस में देख रहा था, वो कह रहे जी पाकिस्तान फाइनल में, भाई मैच तो होने दो, थोड़ी शर्म होती है यार कोई मतलब इस तरह बात करते हैं, टीम के साथ मैच तो खेलो, बड़ी अच्छी टीम है वो यार, आपको पहले इस ग्रुप के ऊपर, सॉरी इस ग्रुप के ऊपर शर्म की बात कोई भी कर सकता है सिवाय आपके, आप नहीं कर सकते शर्म की बात, पहले बैटिंग कर ली उनने, आपके जो प्लेयर है ना जो आपके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बकरी प्लेयर है, उसके पाव नहीं हिलने बोल्ड के सामने, क्या चल रहा है ये भी कल देख लेना, ये भी कल देख लेना, ये तुम्हारी मेरी इस बात पे लग रही है कि बाबर विल परफॉर्म टुमारो। अच्छा इन्होंने ऑलरेडी क्या, अगर अगर मैं क्या बोल रहा था, इन्होंने ऑलरेडी फिगर ना चांस करने बाबर ने, सॉरी तो परफॉर्म करेगा, देखो विकेट का बाउंस कैसा है वहां पे, सिडनी सनी भाई सिडनी की विकेट है वो हमें सूट करती है, तो यार कैसे सूट करती है, 180 प्लस एवरेज स्कोर हो रहा है वहां पे यार, पहले बैटिंग करते तो हमने कितना, हमने कितना किया था, 182 5 185 यार 185 और 185 किया था विदाउट टॉप ऑर्डर, तो अगर टॉप ऑर्डर ने थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन करी तो ये 50% चांस हो गया कि न्यूजीलैंड भी जीत जाएगा, नहीं अच्छी टीम है यार, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं बेस पे लगा देने, हमने सेंटर लगाने हैं, उन्हें सोदी लगाने हैं, स्पिनर स्पिनर खेलने वो बहुत फास्ट बॉलर खेला जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड हल्की टीम है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, न्यूजीलैंड बड़ी स्मार्ट टीम है, दे हैव ऑल वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड्स, लेकिन एक एक टीम ने जीतना है ना, न्यूजीलैंड होगी वो, एक टीम जीतेगी, एक टीम जीतेगी और दूसरी जो है वो न्यूजीलैंड, दूसरी न्यूजीलैंड होगी। मुझे मुझे न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल लग रहा है। वलीद आपकी जबान मुबारक। अच्छा मुझे मुझे बताएं कि अच्छा कल लग रहे हैं, मैं कह रहा हूं वलीद आपकी एनालिसिस नहीं, आपकी तो सिर्फ नेगेटिविटी है ना, कोई वजह बताएं, पाकिस्तान नहीं जीत सकता, प्लेयर्स टू वॉच कौन होंगे दोनों साइड्स पे, प्लेयर्स टू वॉच पाकिस्तान के ना जीतने की कोई वजह,
अच्छा लेकिन एक और क्वेश्चन ये बताओ, कल ओपनिंग क्या रिजवान और बाबर ही कर रहे हैं? हां यस, आप पत्थर पे लिखवा दे भाई, दे विल नॉट चेंज, दे विल नॉट चेंज, तो वन डाउन कौन आएगा फिर? हारिस, हैरी, 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 यस हैरी, हैरी के बाद फिर शान। अच्छा सुशांत सॉरी, आपसे आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी है यार, वो वीडियो शेयर की है किसी ने, वो जो पीसीबी शेयर करता है, जो इनसाइट्स हमारे जो कप्तान शेयर करते हैं लोगों के, उनने कहा है क्या कहते हैं वो, हैरी कहते हैं, हैरी वेल पेड बट फिनिश किया करो गेम यार, एडवाइस कौन कर रहा है जिसने गलत जिंदगी में गेम फिनिश किया? अच्छा एक नहीं, कभी खुद फिनिश किया गेम जिस किस्म की वो लड़के से बैटिंग एक्सपेक्ट हो रही है ओपनिंग पेयर के बाद, वो बच्चा फिनिश नहीं कर सकता उस तरह बैटिंग कर, नहीं कर सकता, एक 30 की जगह ना 50 या 70 दे देगा, वो मैच पूरा 200 पे ले जाके खत्म नहीं कर सकता। सनी भाई वो जिस मैच का मेरी बात नहीं, एक एक सनी भाई वो जिस मैच का रेफरेंस दे रहा था ना, तब 7 रन रह गए थे, तो वो उसको ये कह रहा था कि बेहतर होगा तुम्हारे अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि तुमने मैच फिनिश किया होगा तो नेक्स्ट इनिंग जब शुरू करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है भाई इसकी, आपको मेरी बात सुनो निशान, मेरी खुद कैसे खेलते हैं, मेरी बात सुनो यार, इसका मतलब है कि अगर वो बुरा खेल रहा है या आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी को मशवरा ना दे, क्योंकि मुझे बाबर जहर इतना लगता है तो वो किसी से अच्छी बात ना करे, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं। जी जी जी, एक पॉजिटिव बात किया, मैं तुम्हें बता देता हूँ, बड़ा खुश हो, नहीं मजाक ना कर, मजाक ना कर, इंशाल्लाह बाबर की 50 हो जाएगी, कितने रन है यार ये, हाँ 50 रन हो जाएंगे बाबर के, 11 रन करेगा कल, 11 करेगा, चलो ठीक है यार, हाँ ये ठीक है, मैं बाकी डर गया था कि वलीद कहने लगा कल बाबर 50 करेगा, शुक्र है ये कह रहा है 11 करेगा, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि बाबर इंशाल्लाह 50 करेगा। तो मैंने जितनी दफा बात की है पूरे वर्ल्ड कप में, पत्थर बॉलर में 50 करेगा तो क्या करेगा पाकिस्तान? करी भाई आप मुझे टेंशन में लग रहे हैं, आप पहले सबसे पहले आप बेफिक्र हो जाए, चलो जी बड़ी है 48 बॉलों में बाबर का 50, रिजवान का 40-45 बॉलों में 50, और अगले 20 में 100, मैंने के ऊपर ये एक दो इनिंग के ऊपर प्लेयर को इतना बड़ा प्लेयर बना देते हैं कि हमें अफरीदी मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, ये ऐसा सत्यानाश करते हैं उस लड़के का, ये बातें कर कर के प्रेशर में डाल, हारिस को हारिस ही रहने दो भाई, तुम हैरी ना बनाओ यार उसको, बाबर को ये कहना चाहिए कि तू 20-30 जो करता है वही हमें चाहिए, 20-30 इज इनफ फॉर हिम यार, अगर 10 बॉलों में नहीं तो मुझको बहुत 30 को 40 में कन्वर्ट करना, जब वो 40 का मुझसे बोलता है उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, समझ नहीं आती बाबर क्या, उसको एकदम 30 से 70 80 पे ना लेके जाएं, उसको आप कॉन्फिडेंस दें कि बेटा जैसा खेल रहा है बीच में सिंगल लगाने की भी कोशिश कर, अब वो जो पहली इनिंग में जब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेग फोर हुआ है, अब वो शॉट नहीं थी मारने वाली, अब इसको थोड़ा सा किसी को बस इतना समझाना चाहिए कि हर बॉल पे चौका और छक्का नहीं लगता, तू मार ले 2-3 चौके छक्के, 7-1-2-4 सिंगल्स भी लेने की कोशिश कर। एहसन भाई उसकी वजह है ना, उस दिन उससे उसको हर बॉल पे क्यों मार रहा था आपको पता ही है, जो 7-1 जो लाइबिलिटी खेल रही थी बाबर आजम भाई से एक शॉट नहीं लग रहा था, अच्छा 15 बॉलों में 6 उसी ने किया था ना, तो यानी कि तुम एकदम से तुमने बाबर आजम के ऊपर हारिस को डाल ओवर पावर कर दिया यार, कि वो तो फारिग था बाबर हमेशा से, और ये हारिस जो नया बॉय आया है ये बाबर से बेहतर है बहुत, ये तुम कह रहे हो सर? ओ भाई ये बात जिसने जो बात कर रहा हूं, तुमने यही बात की है कि जो तुमने हारिस से 2 मैच खेले वो बाबर आजम के पूरे करियर पे ओवर तुमने लपेट दिया, ऐसी बात ही की, कल अगर हारिस ने स्कोर कर दिया तो एवरीवन विल से कि हारिस को तो कैप्टन होना चाहिए टीम का, ये हम लोग ऐसे ही हैं, नहीं नहीं हम शायद कह रहे हैं कैप्टन होना चाहिए, सही बात है भाई, नहीं तो बाबर को आप कहते हो ना गोट, इसीलिए यार बाबर इज ऑन द वे, आप सबर तो करें, तो पाकिस्तान की कौन बेसब्री गोट 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 आप कह रहे ऑन द वे, बकरी ज़िबा हो जाएगी, रखते हैं अपने रास्ते में ज़िबा हो जाएगी ये बकरी, बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए, तो तुम बकरियों वाला काम ना करो यार, तुम बकरियों वाला काम ना करो,
अच्छा मतलब किसी पुराने हमारे एक्स क्रिकेटर ने रिजवान को एडवाइस दी है कि तुम भी अब स्काई को देख के अपनी गेम मॉडल करो. मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने कहा डेवलप शॉट्स लाइक स्काई. वो स्काई इसके के ऊपर देख के दुआ करके खेला करो. कोई घर पे प्रैक्टिस होती है स्काई की. एक शॉट मारता था जो कि पुल भी नहीं होता था और स्वीप भी नहीं होती थी, वो बड़ी अच्छी उसकी लगती थी. वो भी उसने मारना बंद. वो इन बाउंसी विकेट्स में नहीं होती ना, बाउंसी विकेट में नहीं लगती. वहां बॉल ही नहीं कर रहे उसको, क्या करें बेचारा. क्या मतलब, नहीं नहीं इन विकेट्स में होती भी नहीं है भाई वो शॉट. सर स्काई में तो मारते हैं, स्काई का तोड़ निकाल लिया फाइनल के लिए. उसने कहा कि बारिश हो जाएगी फाइनल लेग जो है ना, हमने ऊपर करनी है, तो उसने वो 360 शॉट मार दिया और फिर इंडिया ने फाइनल में पहुंचना ही नहीं है. नहीं पहुंचना है यार, कैसी बात है. और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है. इस तरह के डिल्यूजनल पाकिस्तानी फैंस बताएं कहां से आते हैं. मतलब जिसकी टीम बेहतर है उससे नहीं पहुंचना, और जो दुआएं करके टीम पहुंची है नेदरलैंड्स की. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं. मुझे भी इंग्लैंड का फाइनल लग रहा है, आपस की बात है. देखो इंग्लैंड के पास, मैंने और सनी भाई ने भी एग्री किया इसी बात पे. किस किस का, किस किस का बॉलिंग भी है फील्डिंग भी है. किस किस का लग रहा है बॉलिंग बहुत वीक है. नहीं यार देखे, जो मजा पाकिस्तान इंडिया के फाइनल का आना है ना, वो मजा तो है शरी. पाकिस्तान पहुंच गया फिर बेशक इंडिया आ जाए, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता तो फिर तो इंग्लैंड नहीं आना है. नहीं तो साथ न्यूजीलैंड आ जाएगा ना. खैर न्यूजीलैंड बोरिंग है ना, कोई कोई चाहता नहीं है कि वो पहुंचे फाइनल में. वो कौन देखेगा न्यूजीलैंड फाइनल में. इंग्लैंड न्यूजीलैंड का फाइनल नहीं हो सकता. हाँ तो फिर इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे ना, सब सब इंग्लैंड को करेंगे. न्यूजीलैंड को कौन, न्यूजीलैंड ऐसी टीम ही नहीं है. न्यूजीलैंड इज द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम. यार पता नहीं वो ऐसे. अच्छा कल आप लोगों की, कल आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है. मतलब मैंने सुनी नहीं अर्लियर पार्ट. यार ये बताएं पैसे किसकी गेम में ज्यादा हैं, पैसे किसके मैच में ज्यादा होंगे. पाकिस्तान इंडिया. बस वो जो पीछे जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉश आउट हुआ है, उसका नुकसान कहाँ से कवर करना है. तो आपको भी लग रहा है पाकिस्तान जीत रहा है. कड़वा घूंट भी लेता हूँ कह के, हो सकता है अगर पहले बैटिंग कर गया. चले चले जैसे भी माने. खेलना तो पाकिस्तानी टीम नहीं है ना, आईसीसी जो मर्जी चाहे खेलना पाकिस्तान है. वलीद आप क्या गलत बात कर रहे हैं. कल कौन जीतेगा आपको पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ. न्यूजीलैंड फॉर द विन. और मैं आपको स्कोर कार्ड भी थोड़ा सा बता दूं जो मुझे नजर आ रहा है. आपने देख लिया आपने ना. हाँ वो लोधी कहते हैं हम मैच का रिव्यू कर रहे हैं. लोधी ने कहा है मैच का रिव्यू कर रहे हैं. मैच का रिव्यू कर रहे हैं लोधी ने. लोधी को बुलाओ जो दवाई है. अच्छा एनीवेज मैच में ऐसा हो रहा है. और चीज है आप कह रहे हैं मैं स्कोर कार्ड पढ़ के बता रहा हूँ रिव्यू क्या है इसमें. सुन लो ना, पाकिस्तान को पहले वो बैटिंग करेंगे न्यूजीलैंड. और उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 किया था, पाकिस्तान के खिलाफ चलो मैं थोड़ी गुंजाइश दे तो 175 तक स्कोर करेंगे. आई थिंक यू नो जो ग्लेन फिलिप्स है वो स्कोर करेगा. केन विलियमसन और क्या कहते हैं मिचेल या कौन भी है मिचेल में से. ठीक है 175. और पाकिस्तान जो है एक बड़ी ही जिसे कहते हैं ना मुस्बत बैटिंग अप्रोच के तहत 130 के टारगेट पर पहुंचेंगे. और बाबर आजम करेंगे 15 रन 30 बॉलों में. और ये हमारा चीज हो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है ना, मैं टॉस को जीता नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो कल टॉस जीतेगा बाबर, बैटिंग करेगा पहले. और उम्मीद है कि 200 मारेगा न्यूजीलैंड को बाबर के लिए. पता नहीं. और फिर जो है ना न्यूजीलैंड के बल्ले बल्ले होगी. दैट इज व्हाट आई से. न्यूजीलैंड ही बल्ले बल्ले हो जाएगी. मतलब वो बल्ले बल्ले करके घर जाएंगे ना. बहुत कह लिया उन्होंने वर्ल्ड कप अपना. बहुत बहुत अपने अपने बल्ले लेके घर जाएंगे. तो ये बहुत पार्टी कर ली. और जैसा शेरी ने कहा ना 200 करेगा, उसके ऊपर खुद हंस रहे हैं. करेंगे कैसे. तो यानी कि वी आर 4 अगेंस्ट 1 देन. 4 किसने काउंट किए हैं. लोधी ने बोला ही नहीं अभी तो. लोधी ने बोला ही नहीं. पाकिस्तान फॉर श्योर इज गोना विन. करेंगे तो विल इजीली डिफेंड इट. और अगर नहीं वैस का भी कोई अप्रोच है बाबर वाली के, मतलब बेसिकली ना पार स्कोर से 10-15 कम किया करो. मां पार 180 है वो 170 कर रहे हैं. 170 भी हम डिफेंड कर लेंगे यार. और अगर नहीं चेज भी करना हुआ तो देन हाँ प्रेशर थोड़ा पड़ेगा. बट इफ यू रिस्ट्रिक्ट देम टू 150 देन सॉरी अगर हमें चेज करना पड़ा तो आई थिंक 150 160 तक हम इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए.
तो लेट्स सी, अच्छा कर लेंगे 150 चेस कर लेंगे हम आराम से दो अच्छा ओवर पहले। ओके बाबर ने तो वैसे काफी डीप लेके जाते हैं मैच। अभी बांग्लादेश को चेज किया है 128 देखे ना दो ओवर पहले खत्म कर लिया सनी भाई। आप 150 भी 18 ओवरों में करा रहे हैं, आप 128 भी 18 ओवरों में वो करा दो रहे ओवरों हैं। का पस उन्हें ज़हन में रखा होता है कि अच्छा सनी भाई हमारी सेट हमारी सेटिंग्स है, हमारी सेटिंग 18 ओवर पे हुई है, चाहे आप हमें 180 करवा लें चाहे। नेदरलैंड के खिलाफ 94 भी तो 18 ओवर में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंच गए ना सेमीफाइनल में, अब क्या प्रॉब्लम है कि हमने कैसे जीता था वो मैच और कैसे जीता था, पहुंच गए ना सेमीफाइनल में, अब आगे की बात करें यार। वो किसी ने वीडियो शेयर की है पाकिस्तान जर्मनी का सेमीफाइनल, इतनी शेमफुल वीडियो है, इतनी शेमफुल वीडियो है ना, कोई प्लानिंग भी तो समझ में आए कि आप जीतेंगे कैसे। कुदरत का निजाम है, आपको मुझे बताएं सेमी सेमी सेमीफाइनल पहुंचने की प्लानिंग आपको समझ आ गई अब तक? एक और अच्छा स्टार्ट ये हमारे तो मैं गेम्स कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका की बदकिस्मती है कि वो यार, इतने क्यों कहते हैं आप मनहूस यार? हैं, वो सर एक और बंगा अच्छी बात, इतना ये मनहूस। 6 out of 8 वर्ल्ड कप्स वी हैव रीच्ड सेमीफाइनल। एग्जैक्टली, और ये लक से हो गया सारा काम, नेक्स्ट टीम वो नेक्स्ट यार आज तक कोई मेरी बात, साउथ अफ्रीका का अगर 2 ओवर और हो जाते तो वो जिम्बाब्वे से मैच जीत गए थे। ये नेदरलैंड से हारने वाला मैच सर तीन बनता था बॉलें तो और हो भी जाती, तीन बॉलें और हो जाती उसने खत्म यार, कर ये दिया तो था फिर फिर भी हमारे नहीं। साथ सनी भाई, हम लोग वो कैच ना ड्रॉप करते, वो रनआउट ना छोड़ते, बाबर ऐसे स्कोर कर लेते तो हम दोनों मैच भी जीत जाते पहले बाबर वाले, ऐसे बात स्कोर करते करें अगर मगर में बड़ा छोटे छोटे। इनके अगर मगर में हमारे अगर मगर में सामान का फर्क यार है आप देखिए, आप जिस टीम से कंपेयर करें उसको हमने हराया कि नहीं हराया, साउथ अफ्रीका को हमने मारा कि नहीं मारा, डिजर्व हम करते हैं या वो, हेड टू हेड में बताएं मुझे। डिजर्व पाकिस्तानी यार हमने कैसे, हमने उनको हराया, वो कैसे हमारे ऊपर जाके सेमीफाइनल खेल सकते हैं जिम्बाब्वे को वो हरा चुके थे, वो मैच बारिश नहीं हुई थी उसमें, मतलब बारिश यार, का हमने ट्रेंड नहीं हो साउथ रहा अफ्रीका जिससे जिससे कंपैरिजन हो रहा है हमने उसी को हरा दिया था, तो आपको क्या इसमें वो है था। गुंजाइश रहेगी? चलो उन्हें इंडिया को हराया था लेट्स फिर। सी, लेट्स सी, कल का बड़ा टॉर्चर वाला दिन होने वाला है, सुबह आपको सही सही धचके देखो लगेंगे। मैं नसीब नहीं मैं तो होना फ्लाइट में मुझे, होगा, मेरी मेरी फ्लाइट है 1:10 में, मैं इंशाल्लाह सिर्फ टॉस देखूंगा, शायद शुरू का एक आधा ओवर देख लूँ और फिर मैं हवा में होगा, चलो वो तो उतरूंगा वैसे तो पता चलेगा कि कहाँ पहुंचा मैच, ओहो अल्लाह खैर करेगा पायलट इंशाल्लाह। अनाउंस करेगा, बेफिक्र हो जा। मुझे लगता है जिस और मैं तरह जरा मैं थिएटर हूँ आप उसका लोगों कुछ से, देख हो रहा हूँ, उसी तरह पाकिस्तान फ्रीज हो जाएगा कल। देखो भाई एंड ऑफ द आपको डे तो वैसे डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तान पहले बारी ले लेना तो बहुत चांस है, सीधी बात है। देनी सर अगर सनी भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान तो पहले बारी लेगा, लेकिन वो प्लेयर जो है ना वो किसी और को भी बारी देना, जो दोनों ओपनर है हमारे, वो बेफिक्र हो जाएंगे यार नहीं कि पूरे हमने वर्ल्ड कप जीतना में, है आज। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने किसी और भी बारी दी है, तुम नहीं क्यों बोल रहे? नहीं 30 बॉलें जाया अगर करते हैं ना, तो 30 बॉलें मैं जाया बोलता करते हूँ, हैं। अगर पर्थ में स्कोर ज्यादा हो रहा है ना, सॉरी सिडनी में, अगर रन 180-185-200 हो रहे हैं तो फिर कल बाबर ड्यू है और के स्कोर रिजवान नहीं कर सकता, बिकॉज रिजवान के पास टेक्निक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉस बैट शॉटें नहीं चल सकती, आप उसको तो भूल जाए। बाबर कैन स्कोर, बाबर अपनी फॉर्म कल ड्यू है उसपे कि वो कल स्पिनर के स्कोर खिलाफ नहीं कर स्कोर कर लेगा, वो ब्रेसवेल लगा दिया उन्हें या सेंटर लगा दिया, स्कोर कर कर लेगा लेगा यार, यार। कर मर्जी लेगा लगा कर दे लेगा, या मेरी तू बात सुनो, अगर तू वो तू सिंगल खो जा आराम से, वो कर लेगा। अगर वो स्ट्राइक भी रोटेट कर लेना, 20 बॉलों के लिए स्ट्राइक भी रोटेट कर ले और आपको एक एंड से स्कोर तेज मिल जाए, आप अगर पहले ओवर 10 ओवरों में 75 लगा लेना, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा नहीं, 75 भी, सर बाबर तो 60 टारगेट करता है 10 ओवरों का, 60 टारगेट आखिरी दस करते हैं, में आप 100 भी कर सकते हैं इजी। अब 200 ओवर को में भूल जाए, हाँ आखिरी 10 में आखिरी 10 में आप 100 भी कर सकते हैं, आप 200 को भूल जाए इस वक्त, आप अपना टारगेट 100-175 रखें। और अगर बीच में कोई अच्छे ओवर मिल गए, 2, 15, 16, 20 वाले, तो आपका 200 भी हो जाएगा। अच्छा एहसन भाई, लेकिन आप जो अप्रोच बता रहे हैं जो बाबर की होनी चाहिए, तो सिंगल विकेट वाली बता रहे हैं ना, कि आप खड़े रहो दूसरा स्कोर करता रहे, सिंगल विकेट खेल रहे हैं वैसे कि बाबर। नहीं अब मजबूरी है ना, देखो ड्यू है, हाँ अगर वो अब मजबूरी, आप उसको टीम से ड्रॉप तो नहीं कर सकते। अब आपने उसको उसकी जो बेस्ट एक्सट्रीम ना उसकी करें, जो चलो नहीं अब जो उसकी लेकिन बेस्ट यूटिलिटी इस वक्त है, अगर देखो वो अगर वो 20 बॉलें मिडल करके सिंगल डबल लेके 25-26 कर देता है, साथ वो अगर 2-3 अच्छा बाउंड्रीज मिडिल मार करके दे, भी मैं 20-26 करेगा 20 बॉलों में वही कह रहा हूँ ना, ऐसे अगर साथ दो तीन भाई, बाउंड्रीज मार दे, अगर वो आपको बाबर ने एनी 25। अगर वो 40 भी अच्छा 40 कर दे कल, कितनी एक मिनट मैं बॉलों, वलीद बहुत से पूछ रहा था, कितनी बॉलों वलीद में कितना है तुम्हें, सर तुम बताओ 25 बॉले अगर बाबर यार। खेल रहा है तो तुम्हें कितना देखो स्कोर जैसा भी चाहिए? करे, मैं मेरा पॉइंट ये है कि पहले 6 ओवरों में न्यूजीलैंड को हमने विकेट नहीं दे दी, जो मर्जी हो जाए, चाहे बेशक स्लो खेल, 12 रन कर ले। बेशक 12 रन करें, लेकिन विकेट ना दें तो फिर हम हाँ फिर लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि अगर हमने
पहले चेस किया और मैं पहले बॉलिंग की तो फिर क्या करें, कर लेंगे यार, टेंशन ले कर लेंगे कभी भी कर लेंगे। मेरे ख्याल इस कॉल के बाद है ना तुम और शेरी एक तरह कॉल करना और उसमें क्लैरिटी देना, क्योंकि मैं बार बार नाम पढ़ी जा रहा हूँ, वलीद एंड शेरी इन लंडन, वलीद एंड शेरी इन लंडन, तो अजीब सा लग रहा दोनों एक ही विंडो में आते हुए। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बाबर के बारे में एक वीडियो आ रही है, वन डाउन नहीं जाऊंगा। अच्छा गाइस वी आर लेफ्ट विद 30 सेकंड्स, सो फिर क्विकली चलो 4-1, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्रिवेल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाय बाय। और वलीद की हार होगी, बाय बाय बाय। पेसिमिस्ट आदमी आम इंसान से 2 साल पहले मर जाता है इसी बात पे। अगर बाबर की टॉर्चेस बैटिंग देखती तो बेहतर मर जाए बंदा। नहीं अल्लाह तेरी जिंदगी रखे, क्योंकि मैंने तेरे बेस्ट करना कल। आप ये दुआ करें कि बाबर कल 30 बॉलों में आपको अच्छा 40 दे दे, रिजवान बेशक जल्दी आउट हो जाए, दूसरे एंड से वो बच्चा आपको एक अच्छा 40 वो दे दे, तो आप पहले चाचू भतीजे मिलके ना 100 कर लेंगे आखिरी 10 में। पाकिस्तान जीत जाए, बाकी अल्लाह मियां का एक प्लान चलेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीत जाए। इमरान खान ना बन जाए।